Students, today we will discuss the topic that is a preparation of carboxylic acid from the Grignard reagent. So before I start the lecture, just we'll study little about the Grignard reagent. Generally it is written as GR, that is Grignard reagent, okay. So let us see. So Grignard reagent is generally represented as RMGX, where R stands for alkyl group and X stand for halite. Clear? It may be Cl negative, it may be Br negative, it may be I negative, and it may be any alkyl group, just like it may be methyl, it may be ethyl, like that. So generally, just see the example. If I'll write CH3MgBr, it is methyl magnesium bromide. Similarly, if I'll write this is benzene ring beta, और यहां पे मैंने MgBr अटैच किया है, सो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो दिस इज हाउ वी कैन नोट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर Grignard रिएजेंट. नाउ सिंस वी हैव टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड विद द Grignard रिएजेंट, सो जस्ट सी द प्रोसेस. The Grignard reagent is made to react with carbon dioxide. This will give you an addition product. This addition product on hydrolysis gives carboxylic acid. और सबसे important बात यहां पे कि जितने Grignard reagent में आपके carbon atom हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द Grignard रिएजेंट जी आर कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन वन मोर कार्बन एटम देन Grignard रिएजेंट, दैट यू हैव टू रिमाइंड. इस चीज को ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है. चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 Grignard reagent. I'll take CH3MgBr. Then we have to take dry ether. This dry ether is dehydrating agent. It absorbs the moisture. क्योंकि Grignard reagent जो है बेटा वो moisture से react कर सकता है, therefore हमें इसको रखना है यहाँ पे. So what happens? Just see out. ये जो alkyl group है ये carbon पे add होगा and MgBr it adds on this oxygen. So I will get this is C sorry, this is OMgBr, give all oxygen, और ये CH3 add होगा. So हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस side note करेंगे और ये double bond O आप upper side में ऐसे note कर दीजिए. This is the way. Now we have to do the hydrolysis. H2O in presence of H positive. सो बेटा हाइड्रोलिसिस में यहां पर H लगाना है और यहां पे OH. सो दिस यू विल गेट CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस, अब ये क्या बचा आपके पास, OHMgBr दिस वे. सो दिस इज रिटन एज हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो सी आर स्टूडेंट, जो आपने यहाँ पे Grignard रिएजेंट लिया था, इट कंटेन वन कार्बन एटम एंड दो एसिड मुझे मिला है, ये टू कार्बन एसिड मिला है. सो देर इज एन इंक्रीज ऑफ वन कार्बन एटम. सो दिस इज द फर्स्ट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. If I take a carbon dioxide made to react with magnesium iodide, MgI, this is Grignard reagent and it is written as phenyl magnesium iodide. In presence of dry ether,
सो सी आउट द स्टूडेंट व्हाट हैपन्स, ये एम जी आई ये इस ऑक्सीजन पे ऐड होगा एंड दिस फिनाइल ग्रुप ये इस कार्बन पे ऐड होगा, सो यू विल गेट. अब करना क्या है, इस सी डबल बॉन्ड ओ को अपर साइड में नोट कर लीजिए ऐसे, ठीक है. यहाँ पे यू विल राइट ओ एम जी आई, ठीक है. और यहाँ पर व्हाट यू विल गेट, दिस पर्टिकुलर फिनाइल ग्रुप. नाउ दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, बेटा यहाँ पे H और यहाँ पे OH, got it? So I will get this benzene, ये C double bond O, this is OH, this is your benzoic acid, plus this is OH MGI, this is hydroxy मैग्नीशियम आयोडाइड. सो स्टूडेंट दिस वी हैव कन्वर्टेड फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड टू बेंजोइक एसिड. अगेन देर इज अ इंक्रीज ऑफ वन कार्बन एटम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करोगे, ठीक है ना, जितने ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कार्बन एटम है, वन कार्बन एटम विल बी मोल इन केस ऑफ द एसिड व्हाट इट विल बी फॉर्म्ड. सेकेंडली, जो यहाँ पर आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट में, यू कैन टेक द अल्काइल ग्रुप, आइदर इट मे बी द यू कैन से एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे मैंने फिनाइल ग्रुप लिया, डजन मेक एनी डिफरेंस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और एक ध्यान रखना है, ड्राई ईथर यहाँ पे जरूर आपको यूज करना है, क्योंकि अगर आप ड्राई ईथर यूज नहीं करोगे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है इट विल रिएक्ट विद मॉइस्चर, ठीक है. उसकी भी रिएक्शन देखते हैं कि वाई ड्राई ईथर इज एडेड, ठीक है. सो इफ दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट है. सपोज दिस इज द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर है, देन व्हाट हैपन्स बेटा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH, यू विल गेट CH4, ठीक है. बाई प्रोडक्ट में माइनस OH MgBr. तो आपका जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्ट्स इनटू द अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. तो इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट बाय रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स ऑल.